तो भाई साहब फर्स्ट टाइम मैं किसी नागा लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ, देखता हूँ रिएक्शन कैसा आता है नागा के लोगों का। और रिंग के साथ एक नागा गर्ल को प्रपोज करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक होना चाहिए भैया। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया है कि महेश भाई आपकी शादी नहीं हुई है, आप भी नागालैंड से शादी करके आ जाओ। फिलहाल तुम्हारे भाई को लड़की पसंद आ गई है, अब तालियां बजाओ आप लोग। आइए मिलवाते हैं अपनी नई गर्लफ्रेंड से। आपको पता है नागालैंड में जब लड़की का हाथ मांगने जाते हैं गजब का रीति रिवाज है इन लोगों का, तो इसमें दारू लेके जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। मैं फिलहाल हूँ इस टाइम नागालैंड में, और नागालैंड में हम हॉर्नबिल फेस्टिवल को एक्सप्लोर करने के लिए आ रखे हैं। इसलिए 4-5 दिन से मैं यहीं पे हूँ और फुल एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये फेस्टिवल ही ऐसा है भाई। और दोस्तों नागालैंड में टोटल 17 ट्राइब है, पहले 16 थी बट रिसेंटली एक नया ट्राइब यहाँ पे आया है, अभी टोटल 17 ट्राइब हो गई है। हर एक ट्राइब का जो पोशाक है यानी कि उनका पहनावा जो है वो डिफरेंट है। आइए एक एक करके सभी ट्राइब के पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे उनका किस तरीके से वेशभूषा है, किस तरीके से उनका ट्रेडिशनल ड्रेस। तो बात करेंगे आज फिर से पब्लिक के साथ, तो इस वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। माय नेम इज जोयामजी लांगसा। ओके, व्हाट्स योर ट्राइब नेम? दिमासा कचारी। दिमासा कचारी, आपका जो ट्राइब है उसका ओरिजिन कहाँ से है? उसका ओरिजिन दिमापुर से। आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है मैम यहाँ पे? जैसे हमारा फर्स्ट हिंदी है, हम पहले हिंदी को हिंदी मीडियम होता है यहाँ पे। आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? नागामिसी स्कूल में जो होता है वो नागामिसी स्कूल होता है। इंग्लिश, इंग्लिश था तो इनका पहला इंग्लिश मीडियम होता है, इसीलिए इनका इंग्लिश स्ट्रांग होता है। हमारा नॉर्थ में भी इंग्लिश होना चाहिए। तो आप लोग कुछ आप बोलोगे कुछ नॉर्थ के पीपल्स को या नॉर्थ की जनता को कि वेलकम टू नागालैंड या वेलकम टू हॉर्नबिल? Welcome to Hornbill Festival. This is also my first time in Hornbill Festival. Okay, nice. अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है मैम, आज जैसे कि यहाँ पे आप हॉर्नबिल में आए हुए, आप आज आपको 5 डेज 6 डे हो गया? 6 डेज आपको हॉर्नबिल में हो गया। तो सभी लोग आते हैं आपसे बात करते हैं, फोटो लेते हैं, क्या आपको थोड़ा बुरा नहीं लगता? नहीं नहीं, क्यों बुरा लगेगा, अच्छा लगता है। हम लोग का कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और कुछ लोग बैड कमेंट करते हैं जैसे कि नॉर्थ के लोग बोलते हैं, उस मैटर में मैं थोड़ा बात करूंगा, आपको मालूम है वो बैड कमेंट को पॉजिटिव वे में लेते हैं। मतलब बहुत ज्यादा वेलकमिंग नागा लोग है भाई, अगर आप लोग एक बार इनके साथ आओगे बात करोगे वेरी फ्रेंडली है। तो आप लोग इतना फ्रेंडली कैसे होते हो? अच्छा मतलब फिर यहाँ पे एज भी गेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप लोग यंग दिखते हो, तो उसका क्या कारण है यंग दिखने का? नॉर्थ ईस्ट के लोग ऑर्गेनिक खाते हैं। जो भी हो पूरा इंडिया एक तरफ, और जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट भाग है भाई वो पूरा एक तरफ। यहाँ के लोग इतने खूबसूरत और इतने हम्बल एंड इतने वेलकमिंग है ना भाई, पूरे इंडिया में शायद मुझे ऐसे लोग नहीं मिले। क्योंकि हो सकता है केवल हम टूरिस्ट के साथ ऐसा बिहेव करते होंगे, कुछ लोग यहाँ पे जॉब करते ही रहते हैं उनके साथ अच्छे से नहीं रहते होंगे, आई डोंट नो। बट जो भी है बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट के साथ तो बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं। आप लोग आइए कभी मिलिए इनसे, खासकर ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल इसको विजिट करिए। अगर आप लोग शौकीन हो किसी दूसरे के कल्चर में जाना, उसको समझना, उसको देखना, तो आप लोग नागालैंड आ सकते हो। तो दोस्तों कल वाले वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया है कि महेश भाई आपकी शादी नहीं हुई है, आप भी नागालैंड से शादी करके आ जाओ। फिलहाल तुम्हारे भाई को लड़की पसंद आ गई है जो कि नागालैंड से ही है, दीमापुर से है। इनके जो ट्राइब का नाम है वो कचारी दिमाशाही ट्राइब है। आइए आज सीधा लाइव आप लोगों के सामने सीधा प्रपोज करते हैं। रिंग लेके आया हूँ स्पेशली कि भाई इस बार शादी करके आऊंगा नागालैंड से। तो रिंग निकालते हैं, सबसे पहले हाथ दीजिए, ठीक है? ये देखिए भाई लाइव प्रपोज चल रहा है। दोस्तों ये आप लोगों के लिए सीधा नागालैंड से शादी कर रहा हूँ, ठीक है? लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है? एक झप्पड़ लगा देना सर ने। बार बार थोड़ी ना होता शादी, एक ही बार। देखिए भाई सीधा ठीक है ना? हाँ। देखो भाई अब तालियां बजाओ, आप लोग सब लोग तालियां बजाओ। ये देखो भाई एंगेजमेंट। अब देखिए अब लास्ट में एक फोटो तो होना चाहिए ना यार, फोटो सेशन ऐसे कर लिया। शादी होने वाले तो भाई साहब अभी किया प्रपोज, आइए मिलवाते हैं अपनी नई गर्लफ्रेंड से। एक्चुअली आपको पता है गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, नागालैंड में आके गर्लफ्रेंड बना ली, तो अच्छा लगा ना? ठीक है ना, उत्तराखंड की बहू बनोगे ना? अभी पूरे उत्तराखंड वाले इस वीडियो पे कमेंट करने वाले हैं। चलोगे ना उत्तराखंड या मुझे यही रहना पड़ेगा?
यही रहना पड़ेगा। भाई इनकी ये शर्त है कि आपको मेरे साथ अगर शादी करनी है तो यहीं पे रहना पड़ेगा। तो भाई फिलहाल तुम्हारा भाई अब नागालैंड में ही रहने वाला है, और इनके लिए एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, यानी कि आपके ट्राइब के लोगों का घर इस प्रकार से होता है। ठीक है, आपके घर में क्या क्या है एक बार हमारी पब्लिक को भी बता दीजिए ना। तो एक्चुअली ये हम लोग का दो सब ट्राइब है। अच्छा, देयर इज मैच कचहरी एंड दिमासा कचहरी। अच्छा, तो ये सेक्शन मैच कचहरी का है। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ओके। तो इसको मैच कचहरी का भाषा में कौन सा बोलता है? अच्छा, इसका यूज क्या होता है? हाँ, तो ये ऐसा चावल को ऐसे करने का, चावल साफ करने में इस्तेमाल होता है। ओके, नाइस। एंड दिस वन इज आल्सो द सेम। ओके, वो धान होता है ना। हाँ, धान साफ करने में ये इस्तेमाल होता है। ओ, नाइस। और ये फिश ट्रैप है। अच्छा, इससे फिश मछली पकड़ते हैं। हाँ, मछली पकड़ते हैं। छोटा छोटा वाला या बड़ा भी? नदी में ऐसा मछली पकड़ते हैं। वाह, कैसा ऐसा? तो इसके अंदर मछली कैसे आएगा? मछली आ जाते हैं इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वो बाहर नहीं जा पाएगा। हाँ, ना, तो ट्राइब हो जाएगा। और ये भी एक तरह का फिश ट्रैप ही है। अच्छा, इधर जितना भी है वो सब फिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और ये तो शायद हल है। हाँ, ये तो खेती में इस्तेमाल होता है, नांगल बोलते है इसको। और इसको जखाई। जखाई का क्या काम होता है? बीज बोना। इधर एक तो रस्सी होता है इसको। अच्छा, ऐसे करके फिश पकड़ते है। इससे भी अच्छा, इससे फिश भी फिश ट्रैकर है। और ये बड़ा वाला जखाई है। ओके, और ये है, दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला, तो आपको धूप से भी बचाएगा। और अच्छा, काम करते करते आप उसको, हाँ हाँ, खेत जब खेत में काम करते है ना, तो इसको लगाता है। ये लेडीज, बहुत जेंट्स एंड लेडीज कैन यूज। अच्छा, दोनों के लिए ऐसा है। वाओ, एक पोज दीजिए। अच्छा सर, वाओ, अमेजिंग। तो भाई साहब, ये मेरी छतरी है। हाँ, मतलब पहले छाता नहीं थी ना, तो लोग इसको लेके बहुत लाइट वेट है ये। हाँ, बेतुलनाथ का पत्ता से बनाया, तमुल होते है ना। हाँ, तमुल। हाँ, तमुल का पत्ता से बनाया। और हाँ, बेम्बू। अच्छा लग रहा है, इसके अंदर मेरी आवाज भी गूंज रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। अब पानी नहीं आता इसके अंदर? नहीं आता है। दोस्तों, क्या आपने ऐसा छाता देखा है? नहीं देखा है तो नागालैंड आइए, नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में आपको देखने को मिलेगा। अगर अभी और कुछ, ये तो पीठ पे रखने का है ना? इसको बोलता है लोखाई। लोखाई, ऐसे पकड़े इसको। अच्छा, ये मैंने आसाम में भी देखा था, जिसमें वो चाय पत्ता वगैरह। यस यस, ऐसे कुछ लुक लाइक ना। इस पे आप चावल भी रख सकते है। हाँ, ये मल्टीपर्पज। अच्छा, यूटेंसिल्स ये सब रख सकते है। और ये है हम लोग का विक्ट्री टावर, इसको विक्ट्री टावर बोलते हैं। और ये है हम लोग का ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। ये दोनों ट्राइब का, आपका सब ट्राइब और ट्राइब का दोनों का? नहीं नहीं, ये सिर्फ दिमासा कचहरी का। अच्छा, जो कि आपका ट्रेडिशनल ड्रेस। हाँ, हम लोग का ट्राइब का। ये अभी तो यहाँ पर सिर्फ लड़की का ही है। अच्छा, लड़का का नहीं है इधर। अच्छा, okay. और इसका इस्तेमाल जब एक लड़का लड़की को लड़की का हाथ मांगना जाते हैं तो अच्छा, इसको लेकर जाते। तो मैंने रिंग पहना के शायद गलती कर दिया, मुझे भी ऐसे ही देना चाहिए था, बट मेरे उत्तराखंड में तो ऐसा होता नहीं। अच्छा, ये है हम लोग का, इसको दाव बोलते हैं, दाव काटने के लिए। हाँ, बैम्बू वगैरह। हाँ, बैम्बू वगैरह सब्जी ये सब ये इस्तेमाल होता था पहले में। अच्छा, और ये इसमें हम लोग वाइन पीते हैं। आपका ग्लास है? ग्लास है हम लोग का ये। कैसे पीना? यहाँ से इस पे तो ऐसे ही पीते हैं। यहाँ से डालते हैं, इधर से डालते हैं, इधर से पीते। वाओ, ये तो मैंने चाइनीज मूवी वगैरह में भी देखा है, वहां पे भी लोग इसका यूज करते हैं। दिस इज आवर वाटर बोतल। वाओ, ये तो लौकी का है। हाँ, लौकी का है। इधर में हम लोग पानी जब खेत में जाता है और काम वगैरह करने के लिए जंगल में जाते हैं, तो इधर में पानी रखने के लिए पानी रख कर कैरी करके जाते हैं। ये वेरी लाइट वेट। हाँ, वेरी लाइट वेट। उसके अच्छा, उसके अंदर का कैसे निकाल देते हो? वो तो इधर से काट के निकल देते हैं। अच्छा, स्पून से ना। पहले उसको सड़ाना पड़ता है या फिर? हाँ, सड़ाना पड़ता है। अच्छा, धूप में। ओ, और दिस इज आल्सो वन ऑफ आवर विक्ट्री टावर क्लोज अप पिक्चर। अच्छा अच्छा, ये बड़े वाला है। ओके, और ये हम लोग का जब वाइन निकलने में इस्तेमाल होता है, जब फिल्टरिंग द वाइन। अच्छा, वो फिल्टरिंग करने के लिए। ओके ओके, जाली का यूज।
ये हम लोग का मल्टीपर्पज था, मल्टीपर्पज कंटेनर, लाइक इट्स लाइक अ कंटेनर ओनली. अच्छा, ये तो शायद एक बैम्बू के उससे बना रखा है. बैम्बू से बनाया. वाह. इसमें आप क्लॉथ्स भी रख सकते हैं, आपका बर्तन वगैरह वो सब रख सकते हैं. और दिस इज कॉल्ड खाइलिम. इसका मतलब खाइलिम इन आवर डिमासा लैंग्वेज. खाइलिम, दिस इज वन ऑफ आवर I got to say, briefcase. It's like a briefcase. Tijori. Kichori. यानी कि पैसा वगैरह उसमें डालना. पैसा, jewelry, clothes, necklace. पहले में तो locker नहीं था ना. हाँ, पहले में locker नहीं था. हम लोग यहाँ पर रखता था. Wow, amazing. इसमें lock system नहीं है. ये. अच्छा, ये अच्छा अच्छा अच्छा. ये हम लोग का musical instrument है. Guitar. It's like a guitar. Wow. और इसको तो पता ही है. हाँ, ये तो मैंने यूज किया है. और ये हम लोग का कप, ये कपर बनाने में ये खुद बनाए हो? हाँ. वाव. ये वुड है. अच्छा. ये लकड़ी से बनाया है ये बीच का. यस. तो मुझे तार लग रहा है. नहीं नहीं, तार नहीं. तार होगा तो ये रश रश खा जाएगा ना. कुछ भी नहीं हुआ अभी तक. ठीक है. ये भी कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होता है. ये चरखा. गांधी जी का चरखा. हाँ हाँ. एंड दिस वन, जब जंगल से लकड़ी वगैरह फायरवुड इसमें कलेक्ट करके हम लोग जंगल से कलेक्ट करके घर पे लाते हैं. और हम लोग फील्ड में, पेटी फील्ड में वेजिटेबल वगैरह ग्रो करते हैं. अच्छा. तो उसके तौर अच्छा, घर में खाना किस में बनता है? चूल्हे में बनता है? चूल्हे में बनता था पहले में. अभी भी चूल्हे में बनता है रिमोट एरिया में. पीपल स्टिल यूजिंग दैट. रोटी तो नहीं खाते हो ना? रोटी भी खाते हैं हम लोग. अच्छा, वो इंसान है. फिर यानी कि आपको फिर ऊपर नॉर्थ इंडिया में जाके रोटी बनाना पड़ेगा. उत्तराखंड में तो रोटी खाते है ना. और ये दिस वन, ये हम लोग का ग्राइंडर है. अच्छा, ये ओकली. ओकली ओकली हमारे इसको ओकली बोलते हैं. ये है उसका. इसका ये है, इससे करते हैं. वाह. तो इसमें मसाला? मसाला, हल्दी खुद सकते हैं. तो खड़े होके बैठ के करते हैं? खड़े होकर. मिर्ची वगैरह हमारा ये पत्थर का होता है. आना कभी आप भी. आप तो चलोगे मेरे साथ? नहीं चलोगे? और ये हम लोग का खराम बजाने वाला म्यूजिक. खराम मूरी, इसको खराम बोलते हैं. इसको दिस वन इज लाइक ए फ्लूट. ऐसे बजा दे इसको. इसको लड़की भी बजा लेता है? नहीं नहीं, ओनली द एल्डर्स. इसको ऐसे बजाते हैं. अच्छा, मुरली. मुरली. हाँ, मुरली. ये हम लोग का कचहरी किंगडम जो अभी भी मौजूद है दिमापुर सुपर मार्केट में. अच्छा. ये सब विक्ट्री टावर से हम लोग का. अच्छा अच्छा. दिस इज आवर विक्ट्री टावर्स. पीपल यूजली से दिस इज चेस, बट दिस इज नॉट अ चेस. ये हम लोग का विक्ट्री टावर्स है. यानी कि हम लोग का किंग ने वार जीत कर ये सब बनाया. अच्छा. आपका भी किंग था? हाँ, किंग था. बहुत बड़ा किंगडम था हम लोग का दिमापुर में. सीरियसली? तो किंग पैलेस भी है? यही है. अच्छा, यही है किंग पैलेस. ओके, अभी टूट गया होगा. हाँ, ये अभी तो टूट गया. बट किंग पैलेस था जो कि दिमापुर में. बट स्टिल वी आर मेंटेनिंग दिस वन. नाइस. ये भी हम लोग का एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. इट इज प्लेड लाइक दिस. एंड इसको बोलते हैं खराम डुबुंग. अच्छा. दिस वन इज कॉल्ड एज खराम डुबुंग. अच्छा. ये भी मैं भी बजाता हूं. This all are our victory towers. Achha, this one and this one is fish container. Achha. हम लोग जब मछली पकड़ना जाते हैं. अभी भी जाते हो? आप गए हो? जाते हैं. Seriously? एक बार गया मैं भी नदी में. अच्छा. तो इसको कमर में बांध कर छोटा छोटा मछली इधर डालते हैं. पानी भी सोक करते हैं. इसको हम लोग खुटिम बोलते हैं. खुटिम पानी भरने वाला? नहीं नहीं नहीं. अच्छा अच्छा. मछली फिश. And ये कैप? ये कैप नहीं है. अच्छा. हम लोग का राइस वाइन इसमें फिल्टर करता है. फिल्टर के लिए. तो जूस निकलेगा. राइस इधर रह जाएगा. एंड दिस वन इज, इसको हम लोग खम्प्लू बोलते हैं. खम्प्लू मल्टी पर्पज कंटेनर. इसमें आप फ्रूट्स रख सकते हैं, वेजिटेबल रख सकते हैं, चावल वगैरह एवरीथिंग. एंड दिस वन इज ऑल्सो आवर
close-up picture of Victory Tower. अच्छा बस इतना ही है हम लोग का ट्रेडिशन का. नाइस. ये थे इनके ट्रेडिशनल जो कि ये पहले यूज करते थे. अभी तो ये सब म्यूजियम ही बन चुका है. अभी तो सब लोग डेवलप हो चुके हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो. बिल्कुल बिल्कुल. तो मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. लव यू गाइस.